अपने आप रिकॉर्ड हो गए। हाय गाइस, अभी मैं आई थी छत पे कपड़े, ओह माय गॉड कपड़े डालने। ये देखो, ये दिखना कितना स्ट्रांग लग रहा है, बट एक साइड से ना ये वो है, क्या बोलते हैं, दबा हुआ। मैं वहीं बैठ गई। और हैप्पी व्रत सावित्री आप सबको। किसने किसने पूजा व्रत किया है कमेंट करके बताना। तो थोड़ा, और अभी मैं आई हूँ अपने ससुराल। तो ये व्रत मैं फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में हूँ, तो इसलिए कर ली, क्योंकि मैं अभी तक बाहर रहती थी ना, तो बहुत चीज़ जो फर्स्ट टाइम व्रत होता है ना, वो समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। तो मेरी मदर इन लॉ ये व्रत करती थी, बट मैं सिर्फ पूजा कर लिया करती थी, अगर पता चलता था तो कि ये आज व्रत है। तो इस बार तो मैं ससुराल में हूँ, तो बहुत अच्छा मौका मुझे मतलब मेरे पास था, तो मैं यहाँ उठा ली ये व्रत। और आज मेरा फास्ट है, मेरा, मेरी मम्मी का, मदर इन लॉ का, मेरी देवरानी का। और जैसे मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं साड़ी, एक होता है ना कि पता रहता है तो फिर आप एक सेट लाते हो, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था। तो ये वाला मेरे पास दूल्हा न्यू ही, ये साड़ी न्यू है, तो ये वाला पहन ली मैं। पता रहता तो अच्छे से तैयारी करके आती। वैसे तो मेरे ससुराल में बहुत सारा जो शादी के टाइम का मिला हुआ है, बहुत सारे कपड़े मेरे यहीं पे हैं ससुराल में। लेकिन ना आप कौन, इतने बड़े बड़े बैग हैं, अटैची है, उसको ना खोलने का मन नहीं हो रहा था कि कौन अब निकाले। दुकान होता है ना, कुछ इसमें है, कुछ ऐसे है, ये बहुत भारी है। तो सुबह लेट भी हो रहा था, तो मैं सोची अब कौन उसको निकाले। ये ऊपर ही मेरे बैग में रखा था, अभी मैं गाँव से आई ना, तो ये मैं लेके गई थी, लेकिन वहाँ पहन नहीं पाई थी, ऐसा कोई टाइम नहीं मिला था, मतलब मौका। तो इसलिए मैं ये पहन ली हूँ। बहुत अच्छा है, कॉटन का है ना, और गर्मी तो बहुत है, गर्मी तो इस टाइम सब जगह है। और ये वाली बैंगल्स, इसमें और भी है पिंक कलर का, येलो भी, पूरा ऐसा सेट है। लेकिन मैं ऐसे घर में ही कराना है, तो इतना ठीक है। और सबको मेरा ये साड़ी पसंद आया, कॉटन है, बहुत हल्का है, बहुत अच्छा है। चलिए फिर ऐसे छोटा मोटा वीडियो में शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। और फ्रेंड, मैं गांव गई थी ना, तो नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा, ना के बराबर नेटवर्क था। छत पे जाती थी तब थोड़ा नेटवर्क मिलता था, तो इसलिए ना मैं बिल्कुल अपने चैनल पे भी एक्टिव नहीं थी, और जो मेरे फ्रेंड हैं उनके भी मैं वीडियोज़ नहीं देख पाई थी। इस वजह से ना मेरा वीडियो का जो व्यूज़ है बहुत डाउन हो गया है, क्यों आपको पता ही है। तो लेकिन प्लीज़ आप ये नहीं सोचना कि मैं नहीं देखती हूँ। अब मैं लखनऊ आ गई हूँ अपने ससुराल, तो यहाँ तो यहाँ भी नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है। अभी मैं छत पे आई हूँ, तो देखती हूँ वीडियो। कल से मैं अपलोड की हूँ, अभी तक कल से मैं डाली हूँ, अपलोड की हूँ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। सोचो ये हाल है, इससे सबका प्रॉब्लम है। बट ये वीडियो बहुत लेट जाए, लेकिन मैं सोची अभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ये सब बातें बता दूँ, क्योंकि गाँव में तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बना रही थी, ऐसे जो हो रहा था पूजा पाठ थी वो बना रही थी, आपसे बात नहीं कर पा रही थी आप सबसे। चलो दोस्तों, फिर चलते हैं नीचे। आज देखिए मुझे जाना है, देखते हैं, संतोषी माँ का मंदिर भी जाना है। संतोषी माँ को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। तो लखनऊ आती हूँ ना, यहाँ मंदिर है संतोषी माँ का, पास में ही है मेरे घर के। दो मंदिर है, एक पास में, एक और दूर। तो देखते हैं क्या होता है, शाम का प्रोग्राम है, देखते हैं। चलो फिर मैं कुछ कपड़े रही गया है गाने, मेट्रो की वजह से ना ये सब प्रॉब्लम होता है। चलो फिर नीचे चलते हैं, हमें धूप में बिछी नहीं है। मंदिर पूरा अभी ना, ये बस ऐसे ही है हॉल टाइप का, ऊपर अभी लोग नहीं रहना है। तो बहुत अच्छा होता है, कोई भी फंक्शन में पूजा पाठ होता है तो यहाँ ये एरिया यूज हो जाता है। देखिए नीचे चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, बेड सही करूँगी और सामान रखना है, मुझे पैकिंग करना है क्योंकि कल निकलना है और कल है फ्लाइट हमारी कितने शाम को है। तो मॉर्निंग में मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने रूम का अलमीरा एंड ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने वाली हूँ, बहुत टाइम हो गया साफ़ किए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मैं आके किसी और है, लेकिन ये वाला जो बैंगल है ये पूजा में भी मुझे पिंक क्या था बर्गर, अच्छा उसमें बर्गर ये आपको नहीं चाहिए, चीज़ी नहीं चाहिए ना। मामी को बर्गर खाना है क्यों, क्योंकि मोबाइल में देख रहे हैं अभी वहाँ खाना है। अच्छा मैं इसको खिला रही हूँ पराठे, प्याज का था ना जवान प्याज, इसके साथ ये कुछ खाती नहीं और किसी साथ क्या ना। मेरे इधर भी में रूम से नेटवर्क बहुत ख़राब है, नेटवर्क है ही नहीं, कल से वीडियो डालू देखो अभी तक नहीं गया है और किसी बात कभी वीडियो देख रही हूँ तो बफरिंग नहीं जाऊँगी तभी वीडियो वगैरह अपलोड होगा या फिर मैं किसी का वीडियो देख पाऊँगी। ये बैंगल्स मैं ऑफलाइन ले रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं ली हूँ, बहुत अच्छा इससे फ्लावर का है, इसमें का सेम है बस येलो भी है, लेकिन इस येलो का सिर्फ ये वाला मैं ले रही हूँ मैक्सिम कलर है। मैं सोच रही हूँ लेकिन यही है ना कि पहनती हूँ नहीं, शॉपिंग करने का बहुत शौक है मुझे, साड़ियों का भी, साड़ी मुझे ना बहुत पसंद है, लेकिन क्या ना वैसे लखनऊ आती हूँ या फिर कोई फेस्टिवल होता है तभी पहनती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ साड़ी क्या होगी, लेकिन ऐसे शॉपिंग करूँगी अच्छे अच्छे साड़ी दिखते हैं ना तो लगता है ये कलर है, आई थिंक पर्पल कलर का एक है वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं पिंक ली थी, उसका ब्लाउज का कलर सेम है बिल्कुल इसी में का है, लेकिन अभी वो मैं स्टिच नहीं कर रही थी तो ये मैच कर रही थी देखती हूँ ऐसे। बस मैं इसको खिला रही थी, वीडियो तो मैं प्रॉपर नहीं बना पा रही ना, तो मैं सोची चलो छोटा छोटा क्लिप ऐसे बना लेती हूँ, इसका भी बना लेती हूँ। हस्बैंड जी पीछे सो रहे हैं और ये जो मोबाइल में स्टैंड की हूँ उनके हाथों पे ही रख के स्टैंड की हूँ, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए जी सो रहे हैं मॉर्निंग में बस, और पीछे थोड़ा गंदा है, अभी मैं ये सब की हूँ, ये सब सही करना है। एक बैग कल मुझे निकलना भी है चेन्नई के लिए ना, तो पैकिंग वही अभी एक बैग पैक कर ली, ये वाला देखिए दूसरा पैक करना है मुझे अच्छे से।